चॉइसी एवरेज तक हम डिस्कस कर चुके थे। इसमें मैंने बताया था कि आईसी एवरेज हम ले रहे हैं आई पीक ओवर पाई। आई पीक ओवर पाई इस वजह से ले रहे हैं बिकॉज यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो हमारे पास आईसी एवरेज है वो हमारे पास इस ट्रांजिस्टर के अक्रॉस करंट की बात हो रही है, और इस ट्रांजिस्टर के अक्रॉस हमारे पास जो वेव फॉर्म आ रही होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि जब हमारे पास पॉजिटिव वेव आएगी यहाँ से तो ये ट्रांजिस्टर क्या होगा, ऑन हो रहा होगा, और नेगेटिव वेव पे ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा। तो देखा जाए तो हाफ वेव हमारे पास इसमें आउटपुट पे आ रही होगी और रिमेनिंग हाफ क्या होगी, इस यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो रहा होगा। तो ये सेम यही चीज़ यही फिनोमेना हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर भी हो रहा होता है कि वो हाफ वेव को अलाउ करता है, रिमेनिंग हाफ को ब्लॉक कर देता है। तो इस वजह से हम यहाँ पे ये 0.318 × IP वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट आईसी एवरेज। ठीक है, जस्ट बिकॉज ये क्या हो रहा है, ये इसका अगर बिहेवियर देखा जाए तो इट बिहेव लाइक इन हाफ वेव रेक्टिफायर। और रही बात आई पी की, तो ये हमारे पास क्या है, पी करंट है ऑफ दैट ट्रांजिस्टर। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास, हमें पता है कि आई सी सैचुरेटेड हमारे पास आ रहा था वी सी सी ओवर 2 RL। तो अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं आई सी एवरेज, तो आई सी एवरेज अगर हम इन टर्म ऑफ वोल्टेज बात करें तो हमारे पास यहाँ पे जो आई पी आ रहा है ये एक्चुअली क्या है, मैक्सिमम करंट है, और मैक्सिमम करंट हमारे पास रिप्रेजेंट हो रहा होता है आई सी सैचुरेटेड से। इट मीन्स हम यहाँ पे इस आई पी की जगह आई सी सैचुरेटेड की वैल्यू यूज कर सकते हैं विच इज वी सी सी अपॉन 2 RL। तो आफ्टर प्लेसिंग दी वैल्यू ऑफ आई सी सैचुरेटेड हेयर, आई सी एवरेज हमारे पास आ जाएगा वी सी सी ओवर 2 π RL। ये किस तरह से आएगा, तो हमने यहाँ पे जो पीक करंट था आई पीक, तो हमारे पास ट्रांजिस्टर के अंदर पी करंट एक्चुअली आईसी सैचुरेटेड की हो सकता है, मतलब इससे ज्यादा करंट नहीं जाता, तो पी करंट ऑफ ट्रांजिस्टर हम आईसी सैचुरेटेड ही कह सकते हैं। तो इस कंडीशन की बेस पे हम यहाँ पे आई पी की जगह क्या कर सकते हैं, आईसी सैचुरेटेड की वैल्यू यूज कर सकते हैं, जिस वजह से हमारे पास आईसी एवरेज आ गया वी सी सी अपॉन 2 π RL। अच्छा, अब यहाँ पे इस इक्वेशन में हमने अगर देखा जाए, हमने यहाँ वी सी सी यूज किया हुआ है फॉर आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, ये हमने इस कंडीशन पे अज्यूम किया है कि जो ट्रांजिस्टर है ये क्या हो रहा है, ये हमारे पास कॉम्प्लाइंस के रेफरेंस से क्या है, ड्रिवन हुआ है। यानी कि कॉम्प्लाइंस के रेफरेंस का मतलब ये है कि हमारे पास जो मैक्सिमम पीक टू पीक वोल्टेज है वो क्या है, वो बराबर है वीसीसी के। बट अगर हमारे पास एम्पलीफायर क्या है वो कंप्लायंस फॉलो नहीं कर रहा, उस सिनेरियो में फिर हम यहाँ डायरेक्ट वीपीपी यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ वीसीसी। ठीक है, और वो वीपीपी की वैल्यू अलग से हमें दी हुई होगी। राइट नाउ हम कह रहे हैं कि भाई आइडियल सिनेरियो है तो पीक टू पीक वोल्टेज मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, वो वीसीसी के बराबर जा सकता है। बट इन केस क्या हो रहा है, पीक टू पीक वोल्टेज उससे कम है हमारे पास, उस कंडीशन में फिर हमें यहाँ पे आईसी एवरेज का फॉर्मूला वीपीपी आउट ओवर 2 π RL यूज करना पड़ेगा। ठीक है, देन इसी को रेफर करते एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है पावर सप्लाइड और या फिर पावर सोर्स फॉर दिस ट्रांजिस्टर। अब
पीएस का हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था वीसीसी ओवर वीसीसी इनटू आईसीसी। वीसीसी हमें यहाँ नजर आ रहा है बट वी हैव टू फाइंड आउट आईसीसी। आईसीसी का फॉर्मूला हमारे पास था आईसी एवरेज प्लस आई वन। आई वन की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं वीसीसी अपॉन आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। यहाँ से हमें आई वन फाइंड आउट हो जाएगा। देन फिर आई सी एवरेज की बात करें तो आई सी एवरेज का फॉर्मूला प्रीवियसली हमने देखा वो था वी सी सी अपॉन टू पाई आर एल। तो यहाँ से हमारे पास आई सी एवरेज भी फाइंड आउट होके आ गया। नाउ वी कैन गेट आई सी सी। तो आई सी एवरेज प्लस आई वन किया हमारे पास टोटल करंट आ गया सर्किट का विच इज 246 मिली एम्पियर। तो इस तरह से हम टोटल पावर जो कि हमारे पास है टोटल पावर डिमांड है अक्रॉस द सप्लाई वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग वीसीसी इनटू आईसीसी जो कि हमारे पास आ रही है 3.69। इसी तरह अगर मैं इसी सर्किट का हमें बोला जाए कि फाइंड आउट मैक्सिमम लोड पावर तो वो भी हम निकाल सकते हैं। मैक्सिमम लोड पावर का हमारे पास फॉर्मूला था वी स्क्वायर या पीक टू पीक स्क्वायर ओवर 8 आर एल। तो हमारे पास वोल्टेज यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो वी पीक टू पीक हमने बोला था कि कंप्लायंस फॉलो कर रहा है अगर तो वो क्या होगा वीसीसी के बराबर होगा। तो यहाँ वीसीसी कितना है 15 है। ये हमारे पास 15 वी पीक टू पीक स्क्वायर आ गया ओवर 8 इंटू आर एल विच इज 10। तो यहाँ से हमारे पास पी एल मैक्स आ गई जो कि है 2.81 वॉट। ठीक है हमने यहाँ पे एग्जांपल 11.10 में फाइंड आउट की थी सप्लाइड पावर और जो 11.11 एग्जांपल है उसमें हमने फाइंड आउट की है पावर अक्रॉस द लोड। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं प्रीवियस एग्जांपल को ही देखते हुए अगर हम कंसीडर करें ये नेक्स्ट एग्जांपल तो हम इस डाटा को यूज करते हुए इजीली एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर द सेम ट्रांजिस्टर। तो यहाँ इस एग्जांपल में हमें यही बोला है कि फाइंड आउट एफिशिएंसी ऑफ द एम्पलीफायर यूजिंग एग्जांपल्स 11.10 एंड 11.11। तो प्रीवियस एग्जांपल के अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं तो हमारे पास पीएल था 2.81 वॉट और पीएस था 3.69 वॉट। तो एफिशिएंसी के फॉर्मूले में हम ये प्लेस कर सकते हैं एफिशिएंसी का फॉर्मूला था पीएल ओवर पीएस इनटू 100। तो यहां से हमारे पास क्लास बी एम्पलीफायर की एफिशिएंसी फाइंड आउट हो गई which is 76.2%। ठीक है ये हमारे पास efficiency है for class B amplifier। यही इस example में find out करने को बोली हुई थी। अच्छा एग्जाम्पल 11.13 में बोला हुआ है अगेन फाइंड आउट एफिशिएंसी ऑफ द एम्पलीफायर यूज इन एग्जाम्पल 11.10 इफ द लोड वोल्टेज इज रिड्यूस्ड बाय 50% टू 7.55 वी पीक टू पीक। सही है हमारे पास यानी कि यहाँ पे कंडीशन क्या दी हुई है कि हमें यहाँ पे लोड वोल्टेज कि अगर हम बात करें तो वो हमें कम करके बोल दिया है कितना 7.55 पीक टू पीक। इट मींस हम यहाँ पे अब वीसीसी के बराबर वैल्यू नहीं ले रहे जिसकी वजह से अब अगर हम लोग सिनेरियो देखें तो जो बात यहाँ पे हो रही थी कि अगर हमारे पास कंप्लायंस फॉलो नहीं करता उस सिनेरियो में फिर जो डाटा गिवन होगा हमें वही यूज करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन को देखते हुए हमें सारी वैल्यूज क्या करनी पड़ेंगी इस एग्जाम्पल के लिए दोबारा फाइंड आउट करनी पड़ेगी।
इसमें हमारे पास आई सी एवरेज है क्योंकि आई सी एवरेज में हमारे पास वी सी सी आ रहा था, बट नाउ वी विल यूज वी पी पी आउट जो कि है 7.5 वोल्ट। तो यहाँ से हमारे पास आई सी एवरेज जो नया आ गया वोल्टेज रिड्यूस होने के बाद वो है 119 मिली एम्स। देन आई सी सी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, आई वन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो आई सी सी हमने निकाल लिया, आई वन पुराना वाला यूज करा जो कि यहाँ पे यूज हुआ था 6 पॉइंट। अच्छा आई सी एवरेज की हम बात कर रहे थे, ठीक है आई सी एवरेज हमने नई वैल्यू वीवी थी उसको यूज करते हुए आई सी एवरेज हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया था। देन टू फाइंड आउट टोटल करंट हमारे पास आई सी एवरेज प्लस आई वन। अब यहाँ पे हमारे पास जो आई वन है वो हम जो प्रीवियस एग्जाम्पल थी उसी का करंट यूज कर लेंगे, और आई सी एवरेज अभी हमने ऊपर निकाला है तो ये वैल्यू यहाँ से यूज कर सकते हैं। देन फिर जो पावर सप्लाइड है हमारे पास वो यूजिंग वी सी सी इंटू आई सी सी फार्मूला फाइंड आउट हो सकती है। वी सी सी 15 वोल्ट है और आई सी सी अब चेंज हो गया है तो वो है हमारे पास 126 मिली एम्पियर जो कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट करा है। तो ये हम यूज करते हुए पावर सप्लाइड फाइंड आउट कर लेंगे विच इज 1.89 वाट। इसी के साथ साथ क्योंकि हमें एफिशिएंसी के लिए पावर अक्रॉस द लोड चाहिए और पावर अक्रॉस द लोड का फॉर्मूला था पीपी स्क्वायर ओवर 8 आर एल, बट दिस टाइम हमारे पास जो वैल्यू है वी पीक टू पीक की वो है 7.5 वोल्ट। तो हम यहाँ पे 7.5 वोल्ट स्क्वायर ओवर 8 आर एल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास मैक्सिमम पावर अक्रॉस द लोड फाइंड आउट हो गई विच इज 703 मिली वॉट। अब इन दोनों वैल्यूज को यूज करते हुए यानी कि पी एस एंड पी एल हम एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एफिशिएंसी हमारे पास यहाँ से आ रही है 37.2%। अगर हम यहाँ से एक चीज नोट करें तो जैसे ही हमारे पास जो सप्लाइड वोल्टेज था तो पीक वोल्टेज था वो हाफ हुआ तो हमारे पास जो एफिशिएंसी थी वो भी हम देख सकते हैं कि वो क्या हो गई, ऑलमोस्ट हाफ हो गई, यानी कि 76.2% से डायरेक्ट कहाँ पे चली गई 37.2%। तो ये हमारे पास डिफरेंस आया जस्ट बिकॉज ऑफ वीसीसी के, वहां पर जो वीसीसी के पास वैल्यू आ रही थी वो प्रीवियसली 15 वोल्ट थी, दिस टाइम हमने क्या कहा कि भाई वो वैल्यू रिड्यूस होके 7.5 वोल्ट हो गई है। तो उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे एफिशिएंसी जो आई है नई वो आई है 37.2%। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जांपल 11.13 थी जो कि अभी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं क्लास ए बी एम्पलीफायर की। इसी लेक्चर में स्टार्टिंग में हम लोगों ने जब क्लास बी एम्पलीफायर डिस्कस करा था तो उसके साथ क्लास ए बी एम्पलीफायर का भी एक इंट्रो दिया था मैंने कि भाई इंस्टेड ऑफ यूजिंग आर टू हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो डायोड्स यूज कर लेंगे जिसकी वजह से हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप जो होगा अक्रॉस दिस सर्किट वो कॉन्स्टेंट रहेगा विच इज अराउंड 1.4 वोल्ट। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखते हैं वोल्टेज डिवाइडर बाय क्लास बी एम्पलीफायर की बात करें तो उसके अंदर इशू हमारे पास सबसे बड़ा एक ये आ रहा था कि क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन क्या हो रही थी, प्रोड्यूस हो रही थी। उसके अलावा एक थर्मल रनवे भी एक प्रॉब्लम थी जो कि हमारे पास क्या हो रही थी, वहां पे रेस कर रही थी। अब इस कंडीशन के अंदर हमारे पास जो डायोड बायस सर्किट है इसकी वर्किंग देख लेते हैं कि इसमें ऐसा क्या डिफरेंस आ रहा होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं वी हैव टू डायोड्स कनेक्टेड हियर, ठीक है, दोनों डायोड्स हमारे पास सिलिकॉन डायोड्स कंसीडर करें तो
0.7 का ड्रॉप दोनों पे होगा, यानी कि टोटल 1.4 वोल्ट यहाँ पे क्या हो रहे होंगे, ड्रॉप हो रहे होंगे। अब इसका इफेक्ट ओवरऑल सर्किट पे किस तरह से पड़ेगा तो वो हम यहाँ पे आगे देखते हैं। सबसे पहले इस सर्किट को देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास सप्लाई दी हुई कितनी, 12 वोल्ट। तो इस पॉइंट पे हमें पता है हाफ ऑफ VCC आ रहा होता है, तो वो कितना आ गया, 6 वोल्ट। रही बात इस एरिए की, तो यहाँ पे अगर हम VCC को यूज करते हुए बाकी वैल्यूज निकालें, यानी कि इस पॉइंट पे अगर मैं वोल्टेज निकालूं तो वो आ रहा होगा 6.7। अब 6.7 यहाँ पे आ रहा है, तो इस पॉइंट पे कितना वोल्टेज आना चाहिए, तो उसके लिए हम अगर 6.7 में से माइनस कर दें 1.4, तो एट दी एंड हमारे पास इस पॉइंट का वोल्टेज आ जाएगा विच इज 5.3 वोल्ट, क्योंकि हमारे पास बेस वोल्टेज है अक्रॉस Q2। अब इधर एक तो यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि हमारे पास पहले रजिस्टर था, तो वहां पे क्या हो रहा था कि ओवरऑल वैल्यूज में कोई भी डिफरेंस आता था रेजिस्टेंस की, तो वोल्टेज में भी क्या आ जाता था, फर्क आ जाता था। अब यहाँ पे हमारे पास इन डायोड्स की वजह से अब हम कोई भी सप्लाई वोल्टेज ले लें, बट जो यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप है वो इन दोनों के बिटवीन 1.4 वोल्ट ही रहेगा। तो मजीद आगे देख लेते हैं इसकी वर्किंग। पहले इसकी DC करेक्टरिस्टिक्स के रेफरेंसेस को डिस्कस कर लेते हैं। अब तो हमारे पास ये एक सर्किट यूज हो रहा था, इसके अंदर जो जो वैल्यूज आ रही हैं उसको अगर हम देखें, तो ये जो पॉइंट था ये था हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस R1, और ये जो पॉइंट था ये था हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस R2। हमें अगर KVL अप्लाई करूं तो ये 12 वोल्ट माइनस BR1 माइनस 1.4 और माइनस VR3 बराबर होगा 0 के। तो इस इक्वेशन को देखते हुए हम यहाँ बोल सकते हैं कि VR1 प्लस VR2 एक्चुअली बराबर हैं 12 वोल्ट यानी VCC माइनस 1.4 वोल्ट। अब अगर हम बात करें अब यहाँ से हमें पता चल गया कि इन दोनों ब्रांचेस पे टोटल वोल्टेज कितना आ सकता है, वो आएगा 12 माइनस 1.4। इट मीन्स अब मैं इजिली VR1 और VR2 भी निकाल सकता हूँ यूजिंग दिस फॉर्मूला, कि भाई VR2 के लिए वोल्टेज डिवाइडर मैंने अप्लाई किया बिटवीन R1 एंड R2, और क्योंकि R2 के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए था तो R2 ऊपर आ गया हमारे पास। सप्लाइड वोल्टेज की बात करेंगे टोटल, तो वो अब क्या होगा, वो VCC में से माइनस कर देंगे हम 1.4। अच्छा, ये जो VR2 है ये एक्चुअली इस पॉइंट का वोल्टेज है जो कि है VB, तो हम यहाँ VR2 को VBQ2 भी बोल सकते हैं। तो यहां से हमारे पास VB फाइंड आउट होके आ जाएगा यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम एक assumption करते हैं कि if R1 and R2 both are equal, ठीक है भाई, अगर R1 और R2 दोनों क्या हो जाते हैं हमारे पास बराबर हो जाते हैं, इन दैट सिनेरियो हमारे पास क्या होगा। तो अगर मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे इस कंडीशन को देखते हुए अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ कि भाई R1 की जगह भी R2 ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा R2 upon 2R2, R2 कैंसिल आउट, 1 upon 2 VCC माइनस 1.4। तो मेरे पास VB आ रहा होगा कुछ इस तरह से, VCC अपॉन 2 माइनस 0.7। क्यों, बिकॉज VCC माइनस 1.4 डिवाइड बाय 2 था, तो डिवाइड बाय 2 था तो VCC ओवर 2 अलग आ गया, और माइनस 1.4 डिवाइड बाय 2 करा तो माइनस 0.7 आ गया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जब R1 और R2 इफ दे बोथ आर इक्वल, इन दैट सिनेरियो हमारे पास
इस पॉइंट पे जो वोल्टेज होगा वो हमारे पास होगा वी सी क्यू माइनस 0.7 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी कंडीशन है वी वी क्यू टू की, हमारे पास वी वी क्यू टू हमारे पास आ रहा है यहाँ पे वी सी क्यू माइनस 0.7 वोल्ट। अब इस काम का हमें क्या फायदा होगा, मतलब आर वन और आर टू को अगर हम सेम रखते हैं तो उसका एक प्लस पॉइंट ये होगा कि हमारे पास जो वोल्टेज डिवाइड हो रहा होगा वो हमारे पास जो भी सप्लाई होगी उसके हिसाब से क्या होगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। क्यू वन और क्यू टू वो क्या होंगे, ऑटोमेटिकली एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आके बायस हो जाएंगे और सेम वैल्यू पे बायस हो रही होंगे। दूसरा, हमें यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ रेजिस्टर्स हैं वो जरूरी नहीं रहेगी अगर क्या है दोनों बराबर हैं। उसके अलावा जो हम बेस वोल्टेजेस निकाल रहे होते हैं, अगर ये आर वन एंड आर टू बराबर हैं तो हम हर बार बेस वोल्टेज के लिए सिंपल वी सी क्यू माइनस 0.7 माइनस और प्लस 0.7 यूज कर सकते हैं। माइनस प्लस 0.7 इस वजह से कि इस पॉइंट पे है तो माइनस हो रहा होगा, ऊपर आ रहे होंगे तो सिनेरियो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब अगर हमारे पास अभी तो हमने कंडीशन देख ली कि आर वन और आर टू क्या है बराबर है, बट व्हाट विल हैपन इफ आर वन एंड आर टू आर नॉट इक्वल, तो उस सिनेरियो में फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि जिस तरह हमने प्रीवियसली वो आईसीसी वाली इक्वेशन यूज की थी वो हमें यहाँ पे यूज करनी पड़ जाएगी। यानी के वी वी क्यू टू फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि ये इसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, वी वी क्यू वन निकालना जरूरी होगा अगर आर वन और आर टू बराबर नहीं है। और वी वी क्यू वन के लिए यानी कि इस पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए वी मस्ट नो आई वन। आई वन वही पुराने फॉर्मूले से आएगा, आईसीसी एवरेज प्लस आई वन। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये सीरीज में चल रहे हैं तो यहाँ पे अगर मुझे करंट निकालना है तो अगर मैं वी सी सी माइनस 1.4 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ले लूँ तो वहां से मुझे क्या मिल जाएगा, आई वन फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, प्रीवियसली भी हमने कुछ इस तरह के ही फॉर्मूला यूज किया था तो वही फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा जब आर वन आर टू बराबर नहीं होंगे। रीजन ये है कि जब आर वन आर टू बराबर नहीं होंगे तो वोल्टेज भी क्या होगा, इक्वली डिवाइड नहीं हो रहा होगा, तो उस सिनेरियो में जरूरी है कि हमें आई वन की वैल्यू कंफर्म आई वन की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें क्लास ए बी ऑपरेशन की कि भाई इसकी वजह से हमारे पास जो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन थी वो प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व होगी, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये जो हमारे पास वी सी क्यू प्लस माइनस 0.7 की कंडीशन आ रही थी वो एक्चुअली क्या करेगी कि हमारे पास यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट पे वोल्टेज देखें या फिर इस पॉइंट पे वोल्टेज देखें तो इन दोनों पॉइंट्स पे क्या होगा कि वो वोल्टेज जो आपके पास एक्स्ट्रा हमारे पास ट्रेवल कर रहा था 0.7 1.7 यहाँ पे डिले दे रहा था और 1.7 यहाँ पे क्या हो रहा था, ड्रॉप होके डिले दे रहा था, वो अब इन डायोड्स की वजह से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, माइनस 0.7 और प्लस 0.7 की जो कंडीशन है उसमें पहले डिले दे रहा था बट दिस टाइम क्या हो जाएगा, वो हमारे पास ओवरऑल एड होके आगे सर्किट में जा रहा होगा। तो पहले जो इस पॉइंट पे हमारे पास डिसकंटिन्यूटी आ रही थी वो क्या हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा लाइन, कि भाई ये क्या करेगा, ये हमारे पास 1.4 वोल्ट यहाँ पे इसको दे देगा इन डायोड्स की वजह।
तो अब हमारे पास अगर हम देखेंगे तो ये जो क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन का मसला था वो अब हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो एक स्पेसिफिक वैल्यू से ज़्यादा क्या होंगे, कंडक्ट कर रहे होंगे, बिकॉज उन्हें यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास ये जो वी की कंडीशन आ रही है, यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास बेस वोल्टेजेस आ रहे हैं Vcq ± 0.7, ये एक्चुअली क्या करेंगे, ये एक्चुअली वो जो हमारे पास ड्रॉप यहाँ पे आ रहा था, एक VB इधर आ रहा था और एक VB यहाँ पे जो आ रहा था उसको क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। क्योंकि 1.7 यहाँ से आ रहा है, प्लस 0.7 यहाँ से आया, -0.7 यहाँ पे था, ये कैंसिल आउट हुआ, इधर -0.7 +0.7 आएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वेव हमारे पास एक तरह से क्या होगी, ओवरलैप कर जाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं हमारे पास के इस पॉइंट पे 6.7 वोल्ट आ रहे हैं, तो 6.7 वोल्ट कहाँ पे थे, यहाँ पे थे, और 5.3 वोल्ट हमारे पास कहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं। प्रीवियसली इधर हमारे पास गैप आ रहा था, तो वो क्या किया, वो इन डायोड्स ने क्या कर दिया, फिल कर दिया 1.4 वोल्ट प्रोवाइड करके। ठीक है, अब इसको हम क्लास ए बी एम्पलीफायर क्यों कहा जाता है, तो अगर हम क्लास बी एम्पलीफायर की बात करें तो उसको अगर देखा जाए तो वो एक्चुअली क्या था, 180 डिग्री तक ही कंडक्ट कर रही होती थी। बट जब हमारे पास क्लास ए बी की बात कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या हो रहा है, वो ग्रेटर देन 180 डिग्री और लेस देन 360 डिग्री क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है। इस वजह से हमारे पास इस एम्पलीफायर का नाम क्लास ए बी एम्पलीफायर है। कि भाई हमारे पास यहाँ पे अगर हम कंडक्शन की बात कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या हो रही है, वो हमारे पास क्लास बी से ज्यादा है थोड़ी सी, क्लास बी 180 तक का, तो ये अबव 180 है, और क्लास ए से कम है यानी कि बिलो 360 डिग्री। तो ये हमारे पास क्लास ए बी एम्पलीफायर का ऑपरेशन था। अब इसी के रेफरेंस से इसके एनालिसिस देख लेते हैं, जिस तरह हम लोगों ने क्लास बी एम्पलीफायर के डीसी एनालिसिस देखा था, तो सेम इसी तरह से हम यहाँ पे क्लास ए बी एम्पलीफायर के भी डीसी एनालिसिस और एसी एनालिसिस देख सकते हैं। ठीक है, अब क्लास बी एम्पलीफायर क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं तो यहाँ पे इस एंड पे शायद हमें इतना प्रॉब्लम ना हो इसको अंडरस्टैंड करने में। अच्छा, हम यहाँ स्टार्ट करेंगे बाय ड्राइंग एसी लोड लाइन। एसी लोड लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास दो वैल्यूज रिक्वायर्ड होती है, एक होती है वीसी ऑफ, दूसरी वैल्यू होती है आईसी सैचुरेटेड। आईसी सैचुरेटेड की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास आता था वीसीसी हाफ ऑफ वीसीसी इंटू आरएल। तो आईसी सैचुरेटेड इस अगर हम सर्किट को देखें तो इसके हिसाब से हमारे पास आईसी सैचुरेटेड फाइंड आउट हो सकता है। देन वीसी ऑफ की हम बात करें तो वो था हाफ ऑफ वीसीसी, तो वीसी ऑफ भी हमारे पास इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। अब इन वैल्यूज को यूज करते हुए हम इजिली क्या कर सकते हैं, एसी लोड लाइन प्लॉट कर सकते हैं। उसके बाद जिस तरह पहले हम लोगों ने एफिशिएंसी फाइंड आउट की थी, यहाँ पे भी हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी का फॉर्मूला था हमारे पास लोड पावर ओवर सप्लाइड पावर इनटू 100, और लोड पावर हमारे पास थी वीबी स्क्वायर ओवर 8 RL, और अगर हम बात करें सप्लाइड पावर की तो सप्लाइड पावर हमारे पास थी वीसीसी इनटू आईसीसी। पहले यहाँ से हम लोड पावर निकाल लेते हैं, तो लोड पावर हमारे पास अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो वो आ रही है हमारे पास कितनी, 12 वोल्ट स्क्वायर ओवर 8 इंटू 8 ओम। तो लोड पावर हमारे पास आ गई 2.25 वॉट, और पावर सप्लाइड हमारे पास है वीसीसी इंटू आईसीसी। तो आईसीसी हमारे पास आ रही है आईसी एवरेज प्लस
I1। आईसी एवरेज हमारे पास जो करंट था वो हमने जो जिस तरह प्रीवियसली निकाला था वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई होगा कि भाई वो एज एन हाफ वेव रेक्टिफायर बिहेव कर रहा था ये एरिया, तो हमारे पास आईसी एवरेज होगा बीसीसी ओवर 2 पाई आर एल। तो यहाँ से हमारे पास आईसी एवरेज आ जाएगा। अब बचता है I1। तो I1 के लिए हमारे पास क्या आता है कि अगर हम VCC में से माइनस करें 1.4 और डिवाइड कर दें R1 और R2 से, तो यहां से हमारे पास I1 भी फाइंड आउट हो जाएगा। अब ICC हम इजीली यहां से निकाल सकते हैं विच इज 249 मिली एम्पियर। देन इसको यूज करते हुए हम जो सप्लाइड पावर है वो निकाल सकते हैं VCC इंटू ICC, तो वो हमारे पास आ गई 2.994। उसके बाद क्योंकि हमारे पास PS और PL फाइंड आउट हो गया है तो हम इसको यूज करते हुए मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं क्लास AB एम्पलीफायर की, क्योंकि आ रही है 75.3%। अगर अभी इस एग्जांपल को हम देखें तो इसमें हमने क्लास बी एम्पलीफायर वाले ही फॉर्मूले सारे अप्लाई करे हैं, सिर्फ फर्क ये आ रहा है कि यहाँ पर R2 की जगह क्योंकि डायोड आ गए हैं तो डायोड का वोल्टेज ड्रॉप हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करा हुआ है, उसके अलावा कोई और डिफरेंस यहाँ पे नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लास AB एम्पलीफायर की एग्जाम्पल थी। आई होप इसके अंदर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ पूछ सकते हैं।